हेलो एवरीवन, तो आज हम हेल्प बाउंड सीरीज का एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था सॉन्ग सुयन बच्चों को लेकर न्यू ट्रूथ के ऑफिस में चले जाती है। योंग जो उसे मैसेज करता है तुम कहाँ हो, और वो रिटर्न मैसेज करके बता देती है कि वो न्यू ट्रूथ के ऑफिस में है। और फिर वो बिरादर यूनजी को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है खुद ही इसे देख लो। यंग जे मिन हाइजिन को कॉल करके बताता है कि उसकी वाइफ उसके बच्चे टफी के साथ न्यू ट्रूथ के ऑफिस में गई है। मिन हाइजिन उसे सॉन्ग सुयन और टफी को वहां से निकालने कहती है और वो खुद भी वहाँ आ रही थी। बिरादर यूजी वो वीडियो देखता है। सॉन्ग सुयन कहती है क्या ऐसा हो सकता है भविष्यवाणी करने में कोई गलती हुई हो, मेरा बच्चा तो अभी अभी पैदा हुआ है, उसने क्या ही पाप किया होगा। बिरादर यूजी कहता है मुझे अपने टीम वालों से बात करनी होगी, और वो चला जाता है और नीचे स्टाफ को कहता है वो औरत कहीं नहीं जानी चाहिए। थोड़ी देर बाद बिरादर यूजी सभी को वो वीडियो बताता है और फिर किम कहता है बच्चे को माँ से अलग कर दो और जिस जिसको इस बारे में मालूम है उन्हें भी यहाँ ले आओ। देर में यंग जे और मिन हाइजिन यहाँ पहुँच जाते हैं और रूम में बिरादर सी जंग उसके टीम के साथ वहाँ आता है। वो लोग सॉन्ग सुयन को उसके साथ आने कहते हैं और उन्हीं में से एक औरत आकर बच्चे को छीन लेती है और वो उसे लेकर बाहर चले जाती है। लॉबी में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर थे कल एरोहेड के किए गए मर्डर के बारे में सवाल करने, क्योंकि एरोहेड वालों ने न्यू ट्रूथ का नाम उनके वीडियो में लिया था। तभी साइड में खड़ा एक आदमी को मिन हाइजिन इशारा करती है और वो सभी के बीच में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है मुझे मेरी भविष्यवाणी मिल गई है और मैं 10 मिनट के अंदर नर्क जाने वाला हूँ। और सारे रिपोर्टर्स और स्टाफ का ध्यान उस आदमी पर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर ये तीनों अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग सुयन उसके बच्चे को लेने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो लोग उसे बच्चा नहीं देते। इसी बीच ये तीनों भी यहाँ आ जाते हैं और इन सबके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कैसे कैसे करके वो लोग उनसे लड़कर बच्चे को लेकर कार में बैठ जाते हैं, मगर वो लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे थे। पर मिन हाइजिन ड्राइव करके उन्हें लेकर यहाँ से दूर भाग जाती है। अब रास्ते में ये लोग उनकी कार चेंज करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन किम बिरादर यूजी को इस गलती के लिए बहुत मार रहा था। वो कहता है अगर लोगों को पता चल गया कि एक पैदा हुए बच्चे की भविष्यवाणी हुई है तो लोग हम पर और हमारी लिखी गई बातों पर उंगलियां उठाएंगे और न्यू ट्रूथ पर से सबका भरोसा उठ जाएगा और न्यू ट्रूथ खत्म हो जाएगा। चेयरमैन किम कहता है जाओ और एरोहेड का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ निकालो। और थोड़ी देर बाद मिन हाइजिन और ये पति पत्नी उनके बच्चे के साथ एक आदमी के घर जाते हैं और घर के अंदर जाकर मिन हाइजिन कहती है हमारे पास बहुत कम टाइम है, आपका बच्चा न्यू ट्रूथ के कई अनगिनत विक्टिम्स के बहुत काम आएगा और अगर आपने जल्द फैसला नहीं किया तो न्यू ट्रूथ वाले यहाँ आकर बच्चे और आप दोनों को तकलीफ पहुँचाएंगे। ये आदमी कॉफी लाता है और कहता है मैंने सुना इस बच्चे की भविष्यवाणी की गई है, ये बच्चा तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। ये कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो न्यू ट्रूथ का फॉलोअर था और मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, आज नहीं कल सभी को मरना है, मगर ये बात से मुझे खुद से नफरत हो गई है कि मैं नर्क में जाने वाला हूँ। और वो रोने लगता है। फिर मिन हाइजिन एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में पब्लिक को बता देती है और वो वीडियो भी पोस्ट कर देती है। वो कहती है ये बच्चे ने ऐसा क्या ही पाप किया होगा जो इसे नर्क भेजा जा रहा है और हम इस बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं और हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो न्यू ट्रूथ वालों ने कहा है कि सिर्फ पापियों को ही नर्क भेजा जा रहा है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये किसी भी पाप या पुण्य की वजह से नहीं हो रहा है। अगली सुबह मिन हाइजिन आकर इसे कहती है आपको डिमोन्स्ट्रेशन में रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। इस पर सॉन्ग सुयन कहती है पहले मैं बच्चे का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, मुझे नहीं पता था ये क्यों रो रहा है और ये मुझसे क्या कहना चाहता है। देखा जाए तो बच्चे ऐसे भी रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है या फिर वो अनकंफर्टेबल होते हैं, मगर अब पता चला ये बच्चा हमारी मदद के लिए रो रहा था क्योंकि ये जीना चाहता है, इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी आखिरी दम तक। तभी ये आदमी बाहर आता है और कहता है मैं सामान लेने बाहर जा रहा हूँ और बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम इस लाइव स्ट्रीम वाले बंदे को देखते हैं और जब वो स्ट्रीम पूरा करके बाहर आता है तो एक फरिश्ता आकर उसकी भी भविष्यवाणी करता है। अभी अचानक चेयरमैन किम अंदर आता है और उसकी मेंबर उसे फोन देती है। वो कहता है मिस्टर ली मैं चेयरमैन किम बोल रहा हूँ और पूरी टीम तुम्हारी बात सुन रही है, तुमने कहा मिन हाइजिन तुम्हारे घर पर है और दूसरी तरफ फोन पर यही शख्स था। ये कहता है हाँ और हंसने लगता है। वो कहता है ध्यान से सुनो, 3 साल पहले मेरी भी भविष्यवाणी की गई थी मगर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, तो अब पता चला ये आदमी वही लाइव स्ट्रीम वाला बंदा है। ये कहता है ये बात मैंने किसी को नहीं बताई और पता है वो लोग मुझे आज ही नर्क भेजेंगे, पर मिन हाइजिन और वो बच्चा 1 दिन पहले ही मेरे घर आ गए और मुझे पता चला मेरे डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के 5 मिनट बाद होगा। ये पूछता है तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या है। इस पर चेयरमैन किम कहता है ये काफी सरप्राइजिंग है, इसका मतलब ईश्वर ने गलती से उस बच्चे की भविष्यवाणी कर दी और उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने तुम्हें चुना है।
हैं, तुम तो एक मसीहा हो, वो तुम्हारा एहसान मन रहेगा। वो हंसता है और कहता है मुझे पता था। चेयरमैन किम कहता है आप कहाँ हो, ईश्वर के इस काम में हम आपकी मदद करेंगे। मगर ली कहता है ईश्वर ने इस काम के लिए मुझे चुना है और मैं तुम्हें ये मौका देकर मेरा नाम खराब नहीं करूंगा। और वो कहता है मैं तुम्हें एक सुराग देता हूँ ताकि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश कर सको। और वो उसका फोन वही मार्केट में फेंक देता है। ब्रदर यूजी कहता है हम कॉल की लोकेशन से पता कर सकते हैं वो कहाँ रहता है। चेयरमैन किम कहता है जैसे ही पता चले सभी को लेकर वहाँ पहुँच जाओ। अब रात हो जाती है और चेयरमैन को ये आकर बताती है कि हमें उसकी लोकेशन का पता चल गया है और सारे लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और मिनहाइजिन के लोग भी उन्हें ले जाने के लिए पहुँच गए थे। पर तभी ली उन्हें मारने लगता है और उन्हें चेक करने के लिए यंग जेई भी नीचे जाता है और मिनहाइजिन उसे एक शॉकिंग डिवाइस साथ ले जाने कहती है। पुलिस और न्यू ट्रुथ के लोग मार्केट में पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ ली का फोन मिल जाता है। यंग जे नीचे आकर देखता है कि उनके लोगों को किसी ने मार दिया है और तभी पीछे से ली आता है और बताता है मैं वही हूँ जो कभी एरोहेड के लोगों का चेहरा हुआ करता था। यंग जे ही कहता है तुम अभी ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारी भी भविष्यवाणी हुई है क्या। ली कहता है हाँ, वो भी तुम्हारे बच्चे के 5 मिनट बाद, और ईश्वर ने उसकी गलती को छुपाने के लिए मुझे चुना है। वो कहता है मैं सबसे पहले यहाँ तुम्हें मारूंगा और फिर ऊपर जाकर मिनहाइजिन और तुम्हारी पत्नी को भी मार दूंगा। फिर तुम्हारे बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन मेरे रूम में होगा और फिर 5 मिनट के अंदर मैं उसकी बॉडी को ठिकाने लगाऊंगा और फिर मेरा डेमोन्स्ट्रेशन होगा और लोगों को लगेगा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और बच्चे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। यंगजे उसके जेब में से शॉकिंग डिवाइस निकालकर उसे शॉक देता है और वहां से मिनहाइजिन को आवाज देता हुआ रूम की तरफ भागता है। मगर ली भी उसका पीछा करता है और उसे सीढ़ियों से गिरा देता है। वो रूम में आता है पर मिनहाइजिन उसे मारने लगती है और सोंग सुई उन बच्चे को लेकर बाहर आती है और देखती है कि सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। अंदर मिनहाइजिन उसे लड़ रही थी। सोंग सुई उन बाहर सभी को चिल्लाकर कहती है ये मेरा बच्चा है और कुछ ही देर में इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, सभी लोग रुको और खुद देखो। और कोई वीडियो बनाकर डाल देता है। ये वीडियो न्यू ट्रुथ वाले देख लेते हैं और वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। सोंग सुई उसके बच्चे को जमीन पर रखती है और जैसे ही मिनहाइजिन बाहर आती है वो तीन मॉन्स्टर वहाँ आ जाते हैं और बच्चे की तरफ बढ़ते हैं। मगर सोंग सुई बच्चे को हटा लेती है। वो लोग उसके पीछे जाते हैं तभी यूजे भी वहाँ आ जाता है। मिनहाइजिन उन मॉन्स्टर्स को मारती है मगर वो लोग उसे जीत नहीं पाते। यंगजे सोंग सुई को अपने पास करके एक पाइप से टाइट पकड़ लेता है और बच्चा उन दोनों के बीच में था। वो तीनों मॉन्स्टर उनके पास आते हैं और अपनी शक्तियों से उन्हें जलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिनहाइजिन ये देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है। ली वहाँ जाता है और देखता है कि वो बच्चा तो जिंदा है और उसे चाकू से मारने जाता है। मगर मिनहाइजिन उसे लड़ती है और जैसे ही वो वापस बच्चे को मारने जाता है तभी उसका भी टाइम हो जाता है और मॉन्स्टर्स उसे भी मारकर जला देते हैं। मिनहाइजिन खड़े होती है और बच्चे को हाथ में लेती है और जाने लगती है। एक औरत उसकी शॉल उतारकर बच्चे के ऊपर रखती है। तभी वहाँ न्यू ट्रुथ वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए भागते हैं मगर पब्लिक बीच में से नहीं हटती और उन्हें रोकती है। ब्रदर यूजी कहता है तुम ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। तभी वहाँ साइड में खड़ा एक आदमी कहता है बस करो तुम सब झूठे हो और ब्रदर यूजी उसे मारने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मिनहाइजिन बच्चे को लेकर बाहर आती है और टैक्सी में बैठ जाती है और उसे कहती है यहाँ से जितना दूर हो सके मुझे ले चलो और वो टैक्सी वाला उसे लेकर चला जाता है और मिनहाइजिन बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस पार्क की बॉडी हिल रही है और वो अचानक से जिंदा हो जाती है और यही लास्ट एपिसोड एंड होता है। एंडिंग देखकर आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि इसका सीजन 2 आने वाला है। तो सीजन 2 सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली सीरीज में।